गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है और आज की सुबह बहुत ठंडी है, चिल्ड है, चिल्ड जिसे कहते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। मैं सुबह उठी, नहाने धोने की हिम्मत नहीं है भाई, बहुत सर्दी है। तो आज लगने वाला है आयुष को पहला वैक्सीनेशन कोरोना का। तो हम सबको तो घर में लगा हुआ है, आयुष को जो लग रहा है वो उसके स्कूल की तरफ से, स्कूल में सब बच्चों को एज वाइज और ग्रुप वाइज बुला के उनको इंजेक्शन लग रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी आयुष और उसके पापा दोनों नहा धो के तैयार हो गए हैं, पूजा वूजा उन्होंने कर ली है, पापा पूजा कर रहे हैं। तो मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि कुछ खा के जाएंगे तभी ठीक रहेगा। तो घर से निकलते हैं ना जब सुबह, तो मुझे लगता है कि कुछ खा के जाए, घर में रहते चाहे 12 बजे तक कुछ ना खाएं, उसके लिए मैं नहीं बोलती, पर घर से निकलते वक्त करो चलो खा के अग्गे मिले पका के। और घर से ही नहीं खाल, ऐसे भूखे पेट जाओगे, खाली पेट जाओगे, तो फिर सारा दिन बेकार। तो ये हमारा मानना है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर मम्मियों का यही मानना होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो हम क्या बना रहे हैं आज, मैंने मूली को चॉप कर लिया था, मूली, प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह, और मक्की का आटा और गेहूं का आटा और अजवाइन, नमक मिक्स करके मिस्सी रोटी टाइप एक आटा गूंद लिया है। ठीक है जी। तो ये ऐसे आटा गूंद लिया है, अब इसकी बनाऊंगी मैं परौंठी और देसी घी मक्खन के साथ दूंगी। तो जी बन रहे हैं परौंठी। ठीक है जी। तो वैसे तो परौंठी जब बनती है तो कपूर जी साथ में चाय भी पीते हैं, पर आज नहीं पियेंगे क्योंकि देर हो रही है, चाय पीने के लिए टाइम चाहिए, बड़े आराम से चुस्की ले लेके चाय पीनी चाहिए, जल्दबाजी में चाय तो पी नहीं सकते। तो हमारा परौंठी हो गई है रेडी। तो हम निकालते हैं ताजी ताजी मलाई परौंठी के साथ। ये लो जी, ताजी ताजी मलाई निकल गई है। ठीक है जी। तो ये मलाई के साथ ना आप सब्जी की भी जूतनी है, रोटी भी खा लो, ऐसे दूध दही मलाई हो ना घर में तो ऐसे नहीं बोलते दूध की नदियां बहे ये। अगर आपके घर में दूध है और कुछ भी नहीं है तो आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, दूध ही अपने आप में परिपूर्ण है। वाह। तो ये लो जी आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। कपूर जी जरा हेलो तो बोल दो यूट्यूब फैमिली को। हेलो यूट्यूब फैमिली। तो ये हमारे कपूर जी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और आयुष के साथ जाना मतलब जंग पे जाने के बराबर, क्योंकि वो लड़का ना अब बड़ा हो रहा है तो आजकल अपनी राय देने लग गया है, बहुत ही ज्यादा राय देता है, इतनी राय देता है कि हमारी राय को बेकार कर देता है। पर ठीक है, कभी कभी सुन लेती हूँ, दो बार उसकी मानती हूँ, चार बार अपनी मनवाती हूँ, हो गया सब बराबर। तो ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया दिन की शुरुआत। और अभी आयुष जी भी आते हैं, बच्चे हाइट में बड़े, मेरे को बार बार बोलता क्या बोलता है, देखो मेरी हाइट, आपसे भी बड़ा हो गया हूँ, आपसे भी बड़ा हो गया हूँ, ये बोलता है। बताओ अभी इसको ना ये चीज पता कब समझ आएगी, जब 25-26 साल में होगा ना तब पता चलेगा कि मैं ये क्या बोलता था, फिर कहेगा मम्मी मैं कैसे बोलता था, पर अभी तो बोलता है ना। तीन बच्चे हैं मेरे, तीनों ने ना मुझे ऐसे बोल बोल के पक्का बना दिया है, अब मुझे पता चल गया, अब मुझे नहीं तकलीफ नहीं होती, पहले शुरू शुरू में होती थी जब अदिति बोलती थी, अब मुझे तकलीफ नहीं होती, अब मुझे पता है कि ये टाइम आना है, जो एज है ना इस एज में बच्चे ऐसे करते ही हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, हमने भी किया होगा, याद नहीं है, अपनी कमियों को भूल जाती हूँ मैं दूसरे की गलतियां याद रखती है मम्मी अपनी, अरे हमारे कारनामे ये बच्चों को पता चले ना तब तो, ये तो उस हिसाब से बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई भी नहीं करते थे,
बदमाशी भी करते थे, दो तीन सिर तो फाड़ ही आते थे एक दिन में। फिर उससे तो अच्छी है, अपना घर में तो बैठे हैं, हमारे लिए आज लड़ाई करते पुलिस केस बन जाते पता नहीं कितने, जितने हमने सर फोड़े हैं ना उस वक्त इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, अब लेने लग गए हैं। अब तो जरा सी कोई बात बोली, तुम्हारे बच्चे ने ये बात बोली, हमारे बच्चे को हर्ट हो गई, ऐसे बोलते हैं। पहले नहीं कुछ होता था, पहले बच्चे लड़ते रहते थे, माँ बाप एक रहते थे, अब बच्चे जरा सा लड़ते हैं माँ बाप भी लड़ाई करने लग जाते हैं। समय चेंज हो गया, लोग पढ़े लिख गए हैं, पर अब वो बोली प्यार मोहब्बत कम हो गई मेरे ख्याल से। और ये जरूरी नहीं सब पे लागू होता है, कहीं कहीं। ठीक है जी, तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, आयुष महाराज जी अभी आ रहे हैं। आयुष जी जल्दी आइए, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। आयुष जी ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है इसके साथ, नहीं तो पता क्या कहेगा, मैं तो नाश्ता नहीं करूंगा, दोपहर में खाना खाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो लो जी, करारी करारी परौंठी, बातें भी कर ली आपके साथ और काम भी कर लिया, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप के ऐसे मैं काम भी करती रहूं बातें भी करती रहूं ऐसी ब्लॉग चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, काम करूं आपसे बातें करूं, जैसा जैसे ठीक लग रहा है मैं वैसे वैसे करती जा रही हूं, ठीक है। और ना प्लीज, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे मतलब काम भी करते हैं, उसके बाद हम आपके साथ आपको अपडेट भी देते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब करने से ना आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये मैंने अब रियलाइज किया जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, हमें जिसका भी कोई चैनल देखती हूँ ना, मैं उसको सब्सक्राइब करती हूँ और बेल आइकन टन 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 भी कर दो और कमेंट भी करो। अभी मेरे पास एक आया हुआ है फरमाइश की हमें वो बना के बताओ, क्या प्रोटीन सैलेड, अब उसकी मैंने तैयारी कर ली है, जल्दी डालूंगी, क्योंकि ना मेरे को सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है ना। अब प्रोटीन सैलेड उन्होंने बोला है तो उसमें प्रॉपर प्रोटीन बनाना पड़ेगा। अपन अपने घर में क्या है, जो मर्जी का काट कूट के ये सैलेड बना दिया, वो सैलेड बना दिया, अब उसमें नहीं नहीं आपने ये जो चीज डाली वो प्रोटीन, तो ध्यान रखना पड़ता है। अब पता चल रहा धीरे धीरे, पहले तो मैं कुछ भी बोल देती थी, डाल देती थी तो हो जाता था, पर अब जिस हिसाब से बच्चे पूछते हैं उस हिसाब से फिर प्रॉपर डालेंगे ना, क्योंकि अब मुझे भी पता चल रहा जब मेरे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उनको ये चीज खानी है, ये चीज चाहिए। आयुष जी की इंतजार हो रही है, अब आएगा ना तो मैंने वेलने ही घुमा के मारना है। आ गया आ गया, वेलने का नाम मिट्टी आ गया। आयुष जी यूट्यूब फैमिली आपसे मिलना चाहती है, ये देखिए इधर आइए इधर आइए। आज आयुष जी का वैक्सीनेशन होने वाला है तो मुंह नीचे कीजिए, आप बहुत बड़े हो गए हैं, कैमरा अरे आ नहीं सकते हम, सॉरी ये कैमरा शाही हो गया लौंडा हमारा। चलो नाश्ता करो, शक्ल दिखा दे उनको, बोल हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, तेरी बात बहुत जल्दी मानते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फिर शक्ल नहीं दिखाएगा कोई नहीं करेगा। अच्छा मैं फोटो लगा दूंगा। नहीं शक्ल दिखा, देखो देखो लौंडे ने स्पाइक्स भी बनाई है, वो मेरे बाल उसमें नहीं दिखा जल्दी शक्ल इधर आ, तो उसे दिखा नहीं सकता, ज्यादा नाटक कर रहा है बहुत ही ज्यादा, जल्दी आ शक्ल दिखा। ये है हमारा लौंडा, ये तो चलो नाश्ता करो फटाफट, बस जी बड़ा देखो बताओ, एक फोटो लेने के लिए हमको कितने नखरे करने पड़ रहे हैं, अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गया। तो आपको ये हमारी चिटचैट हमारी आपके साथ कैसी लगी हमें जरूर बताना, और हमें बताना कि आपको ऐसी चिटचैट चाहिए या कुछ और करें, या फिर प्रोटीन सैलेड तो बनाएंगे हम आजकल में बनाएंगे, जल्दी बनाना, मेरे को हार्दिक ने बोल रखा है कि प्रोटीन सैलेड बनाओ, एक साल हो गया उसका प्रोटीन सैलेड नहीं बना, जबकि हम 36 बार बना के खा चुके हैं पर वीडियो नहीं बनाई। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।